मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में। तो भाई आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं सुबह सुबह 10 बजे से, और मैं अभी नहा धो के पूरा तैयार हो गया हूँ अपना, और मैंने पूजा वगैरह भी कर ली है। ये देखो, पूजा कर ली है, नहा धो के तैयार हो गया हूँ और शेक भी बना चुका हूँ। ये दिखाता हूँ आपको, मेरा शेक भी रेडी है, क्योंकि इसको ठंडा होने में टाइम लगता है ना, इसलिए मैं शेक बन चुका है मेरा। तो दोस्तों, मेरी तबीयत की बात की जाए तो तबीयत तो ठीक है, पहले से बेटर है। बेटर क्या बोले, मतलब बिल्कुल सही है, अब दर्द ही नहीं है। और मैं कल जिम नहीं जा पाया था, क्योंकि उसका कारण ये था मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 11:30 करीब इस का टाइम हो गया था, फिर खाना भी बनाना था। बट हाँ, मेरे चोट की बात की जाए ये तो अभी देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा अभी भी सूजन है, लेकिन उतना दर्द नहीं हो रहा है। दर्द पता कब होता है, जब इसको ऐसे है ना तो भी दर्द नहीं होता, जब ऐसे मोड़ते ना आह ऐसे, तब बहुत ज़्यादा दर्द होता है ऐसे मोड़ने पे। लेकिन सही है, तो अभी मैं अपना नाश्ता करूँगा, शेक पीऊँगा, उसके बाद सोच रहा हूँ जिम चला जाऊँ, नहीं खाना बना लूँगा, खाना चढ़ाऊँगा फिर जिम जाऊँगा। तो अभी शेक पीते हैं। तो मैं शेक पी चुका हूँ अपना, नाश्ता कर लिया, अभी सोच रहा हूँ जिम जाने से पहले खाना बना लूँ, मतलब चढ़ा दूँ, ताकि खाना बन जाए, आने के बाद खा सकूँ, क्योंकि भाई जिम करने के बाद आने के बाद भूख बहुत तगड़ी लगती है। तो फिलहाल मैंने इमरजेंसी के लिए ये वाली दाल ले ली थी यहीं से ही, 1/2 किलो। बाकी आज मैं किसी भी हाल में डीमार्ट जाना ही जाना है भाई, क्योंकि दाल ख़त्म हो गई है, चावल भी ख़त्म होने ही वाले हैं, और बिस्कुट ओरियो बिस्कुट शेक वो भी ख़त्म हो गया। मैंने 10 रुपये का भी यहाँ से लिया था तो बनाया था, तो आज किसी भी हाल में जाना ही पड़ेगा। देखते हैं आज मैं, वैसे मेरी ना 3 तरह की मिक्स दाल बनाता था, लेकिन अभी ये मैंने सिंगल ही बना रखी है। ये देखो, सिंगल ही बना रखी है, देखते हैं अब इसका टेस्ट कैसा आएगा। और ये जल्दी गल जाती है ना, तो मेरे को हिसाब से पानी डालना पड़ेगा आज। तो बनाते एक तरफ दाल और दूसरी तरफ राइस। सो दोस्तों, अभी मैं जिम जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ, और मेरा खाना बन चुका है। ये अपने चावल बन गए इसमें, और दाल भी। तो अभी जिम जा रहा हूँ, जिम से आने के बाद खाऊंगा। तो मैं आज बैग लेके जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ वहीं से वहीं डी मार्ट निकल जाऊँ और सामान भी लेता आऊँ, क्योंकि जिम से थोड़ी सी दूर आगे जाके ही डी मार्ट है। तो वापसी आओ फिर जाओ फिर वो, मतलब बहुत वो है। तो मैं सीधा जिम करूँगा, जिम के बाद सीधा डी मार्ट। तो मिलते हैं अभी फिलहाल जिम में। दोस्तों मैं अभी मेन रोड पर आ गया हूँ, मैं कभी धूप में आता नहीं था, लेकिन काम के वजह से आना पड़ा। तो आपको दिखाते हैं अभी सब टी शर्ट में, इतनी भीषण सर्दी होने के बावजूद भी। देखो साहब, कितनी धूप पड़ रही है कड़ाके की, बहुत ज़्यादा ही, बहुत धूप है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा। तो अभी चल जिम से आ चुका हूँ, तो अभी मैं घर जाने की वजह सीधा डी मार्ट जाने की ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई किया मैं जा ही रहा हूँ डी मार्ट साइड। सोच रहा हूँ कुछ ले ही लेता हूँ, वापसी कितना आऊँगा जाऊँगा, तो रेस्ट भी करना ज़रूरी है। तो अभी चलते हैं डी मार्ट, फिर सामान लेते हैं। पहुँच गए हैं डी मार्ट, को हम लेते हैं अंदर से सामान वगैरह। डी मार्ट से आ चुका हूँ, मतलब बाहर निकल चुका हूँ, ये मैंने सामान ले लिया है अपना सारा, राशन वगैरह, और मैं बैग लेके आया था, देख सकते हो मेरे कंधे पे, क्योंकि ये लोग बैग के भी 12 रुपये जोड़ देते हैं ना, नहीं 18 रुपये, और मेरे पास बैग बहुत सारे थे, मतलब बहुत ज़्यादा हुए हमारे पास बैग ले लेके डी मार्ट के, क्योंकि हम अक्सर क्या होता था, भूल जाते थे या कहीं से आ रहे होते थे तो डी मार्ट से कुछ लेते जाते थे, फिर एक्स्ट्रा सामान हो जाता था, तो इस वजह से। बाकी अभी सामान ले लिया, तो चलते हैं वापसी घर की और प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों मैं रूम पर आ चुका हूँ, तो भाई मैं बहुत ज़्यादा थका तो नहीं, बस पीठ में थोड़ा वो हो रहा है, क्योंकि तो पाँव के वजह से, क्योंकि आज मैंने बैग भी लगाई थी और ऊपर से ये पूरा 12 kg उठाया मैंने आज। तो देखते हैं क्या क्या लेके आया हूँ मैं, निकाल लूँ मैं सामान पहले। तो यार मैं ज़्यादा सामान लेके नहीं आया,
ये राइस ले आया, राइस हाला के उधर रखे हुए हैं, देख रहे होंगे वाइट वाइट, लेकिन ख़त्म हो जाते फिर कितना लेके आता जा बार बार। तो एक बार मैं ये राइस ले आया, चने की दाल, प्रोटीन, ये होगी कोई कोई सी दाल, नाम नहीं पता मेरे को कौन सी है, उसमें लिखा ही नहीं है। एक ये दाल, ये तो पता है मुझे, मसूर की दाल, और शेक बनाने के लिए ओरियो, पर कभी कभार एनर्जी डाउन हो जाए काम आएगा उसके लिए ये योगा बार। साबुन मेरा ख़त्म होने ही वाला था, अभी बचा है फिर भी मैं ले आया, बार बार ना जाने लगे, और टाइम पास के लिए ऑर्बिट ले आया। चबाते चबाते अपना चबाते जाते टाइम पास हो जाता है कहीं पे भी आने जाने के लिए। तो अभी मैं फ़िलहाल ज़्यादा सामान नहीं लिया, नॉर्मल जो बेसिक नीड थी जो मुझे चाहिए था वो मैं लेके आ गया अपना। बाकी भाई डी मार्ट में जाना बहुत दिमाग ख़राब होता है, मन करता है ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन अभी डाइटिंग पे तो थोड़ा कंट्रोल करके चलना पड़ता है। तो फिर मैं अभी खाना बन चुका था मेरा, बना के गया, तो अभी मुंह धो लेता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, फिर खाना खाने बैठूँगा, तब तक मैं इसको भर देता हूँ अपने डब्बों में। तो दोस्तों मैं रेस्ट करके उठ चुका हूँ, ये हमारे भाई अंकित भाई, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वर्सोवा बीच पे ही, थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। बाकी आज रियल सर पे जाना था, कुछ ऐसा मैसेज आया नहीं कि कितने बजे क्या है, तो हम लोग अभी वही निकल रहे हैं वर्सोवा, तो मिलते हैं वर्सोवा में ही। तो भाई हम लोग डोमिनोज आ चुके हैं, ये पिज़्ज़ा हट इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये अपना डोमिनोज। तो भाई हमारा पिज़्ज़ा आ गया डोमिनोज का। कैचअप लिया है, कैचअप क्या पैसे दिए इसके तुमने अलग से? हाँ सही है भाई, भाई मांग लेते हो कभी कभार। तो भाई अभी हम, ये भाई को सीट नहीं मिली है, खड़े खड़े खा रहा है, बाकी मेरे को मिली, मैं बैठ के खा रहा हूँ, तो अभी मिलता है खाने के बाद भाई। तो हम लोग डोमिनोज से आ गए हैं, काफ़ी के आराम से, क्योंकि भूख भी लगी था, अच्छा था ना, काफ़ी टाइम बाद खाया मैं, तो पता है कितनी टाइम बाद खाता हूँ आप लोगों को। तो अभी हम लोग चलते हैं बीच पे, थोड़ी देर बैठेंगे और खेल लेंगे, बाकी यहाँ पे गर्मी भाई देखो, अभी मेरे पसीने आ रहे हैं देख लो इस समय भी। तो चलते हैं बीच में, दिखाता हूँ बीच में कैसा माहौल है, कितनी समझ जाओ समझदार हो। तो भाई हम आ गए हैं बीच पे, और आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, और नहीं दिख रहा है वही इधर की खासियत है, नहीं दिखना ही। और ये सारे पत्थर है ना इधर 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 भी चमगादड़ बैठे रहते रात में। तो भाई ये वर्सोवा बीच, वो जुहू, तो अभी हम लोग भी शायद आपको ना दिख रहे हो। ये कितनी उंगली है, ये कितनी उंगली है। सही मजे हैं, तभी थोड़ी देर कोई बैठने की जगह देखते फिर वहीं बैठेंगे, मौसम के मजे लेंगे फिर चलेंगे। सो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने वर्सोवा बीच से घूम घाम के, तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 9 बज रहे हैं। आज मैं रिहर्सल में गया नहीं, तो सोचा जल्दी खाना बना लिया जाए, तो मैं अपना एज यूजुअल शाम को ऑमलेट बना रहा हूँ, उसी की तैयारी चल रही है, ये प्याज वगैरह काट रहा हूँ, ये अपने अंडे दाल वहाँ पे रखी हुई है, चेयर पे दिख रही होगी तुमको, ये चींटियों से बचाने के लिए, तो उसी को गर्म करेंगे और खाएंगे। तो अभी बनाते हैं ऑमलेट 6 अंडों का। सो अपना खाना रेडी है, ये दाल तीनों मिक्स करके बनाई है मैंने, जो जो लेके आया था, और ऑमलेट, ये नाचोस, ये तो फेवरेट है यार, इसके बिना तो खाना अधूरा लगता है मेरे को, मतलब ये ज़रूरी होता है खाने के लिए। सो दोस्तों मैं खाना खा चुका हूँ, और मैंने अपना बेड लगा दिया, ये दिखाता हूँ, यहाँ बेड लगा दिया, तो अब सोने की तैयारी करते हैं। और भाई मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई है खांसी की वजह से, तो आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट और शेयर भी कर ही देना। सो मिलते हैं कल के न्यू एक ब्लॉग में, तो गुड नाइट, बाय।